बहुत पुरानी बात है। एक बार चार दोस्त थे। चारों दोस्त बहुत ही गरीब थे। तीन थे दिल के अच्छे और एक था लालची। चारों दोस्त एक दिन बात कर रहे थे। लालची दोस्त ने बोला, दोस्तों कुछ करके पैसा कमाना होगा, इस गरीबी से निकलना ही होगा। बाकी तीनों ने बोला, दोस्त हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम सब खुश हैं। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। चलो हम लोग किसी दूसरे गांव में जाते हैं, जहां हमें पैसे कमाने का मौका मिले। उसके दोस्त मान गए और वो लोग अगले दिन सफर पे निकल पड़े। बहुत दूर तक जाने के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक साधु ध्यान में बैठे थे। लालची दोस्त ने बोला, अरे वो देखो एक साधु बैठा है। इन लोगों में कई तरह की शक्ति होती है, ये हमें जरूर पैसे कमाने का रास्ता बता सकता है। ये कह के वो साधु की तरफ आगे बढ़ा। बाकी तीन थोड़े दूर ही खड़े रहे। प्रणाम साधु जी, हम लोग बहुत दूर से सफर करके आ रहे हैं, आप हमारी मदद करेंगे? लालची दोस्त ने पूछा। साधु ने अपनी आंखें खोली। बोलो बेटा, क्या मदद चाहिए? हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोगों को पैसे कमाने का कोई रास्ता बताइए, लालची दोस्त ने जवाब दिया। साधु ने हंस के बोला, कितने लोग आते हैं ऐसे ही, ठीक है ये लो चार दिए, इन दियों को लेके पहाड़ की तरफ जाओ, जहां दिया गिरे वहां की जमीन को खोदो, पर ध्यान रहे ज्यादा लालच किया तो फंस जाओगे। चारों दोस्त एक एक दिया लेके आगे चल दिए। कई दिनों के बाद पहले दोस्त का दिया एकदम से जमीन पर गिर गया। उसने पूरे जोश के साथ खोदना शुरू किया। खोदते खोदते उसे तांबे के सिक्कों का पूरा भंडार मिला। वो बहुत ही खुश हुआ। दोस्तों अब हम अमीर बन जाएंगे, चलो ये तांबा लेके हम लोग घर जाते हैं। लेकिन लालची दोस्त बोला, नहीं अभी तो सिर्फ तांबा मिला है, हम चलते रहेंगे ताकि हमें इससे भी महंगा कुछ मिले। पहला दोस्त तांबा लेके चला गया और तीनों दोस्त आगे बढ़े। कुछ देर बाद दूसरे दोस्त का दिया जमीन पर गिर गया। खोदते खोदते उसे चांदी के सिक्के मिले। वो बोला, दोस्तों अब तो हमें चांदी का खजाना मिल गया, चलो घर चले। पर लालची दोस्त ने वापस मना कर दिया, नहीं हम आगे बढ़ेंगे, देखे तो और क्या खजाना मिलता है। कुछ ही देर बाद तीसरे दोस्त का दिया भी गिर जाता है। वो भी पूरे जोश के साथ जमीन को खोदने लगता है और थोड़े ही देर बाद उसे सोने का खजाना मिलता है। वो बोलता है, दोस्त अब हमें वापस जाना चाहिए, सोने से बढ़कर क्या मिलेगा, इतना सोना तो हम पूरी जिंदगी में भी नहीं खर्च कर पाएंगे। नहीं मूर्ख, मेरा दिया अभी गिरा नहीं है, सोच अब मुझे सोने से भी ज्यादा महंगी चीज मिलेगी, तीसरे दोस्त ने परेशान होकर कहा। दोस्त तुम्हारा लालच थोड़ा ज्यादा हो गया है, मेरे ख्याल में आगे जाने से सिर्फ मुसीबत ही होगी। पर लालची दोस्त नहीं माना, वो दिया लेके आगे बढ़ता रहा। तभी उसने एक आदमी को देखा जिसके सर पे एक जादू का पहिया जोर से घूम रहा था। वो आदमी हिल भी नहीं पा रहा था। उसको मदद करने के बदले लालची दोस्त ने कहा, तुम्हें किसी खजाने के बारे में पता है क्या? बोलते ही वो पहिया रुक गया और उड़ के लालची दोस्त के सर पे घूमने लगा। लालची दोस्त चिल्ला उठा, ये क्या हो रहा है, इस पहिए को रोको। दूसरा आदमी हंस के बोला, मैं कब से इंतजार कर रहा था कि कोई आके मुझे खजाने के बारे में पूछे, अब मैं आजाद हूँ और तुम्हारा इंतजार करना शुरू हुआ। एक दिन कोई तुम्हारे ही जितना लालची आदमी आएगा और उस दिन तुम आजाद हो जाओगे।